हेलो एवरीवन, आज दिवाली के शुभ मौके पर मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल टिप देने जा रही हूँ। हर साल हम दिवाली पर पूजन करते हैं लक्ष्मी माँ का और गणेश जी का, पर मैं ये मानती हूँ कि लक्ष्मी जी वही वास करती हैं जहाँ पर विष्णु आराधना होती है, क्योंकि विष्णु जी की बहुत ही प्रिय है लक्ष्मी माँ। तो इस दिवाली आप विष्णु भगवान जी की भी पूजा कीजिए। तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ और गणेश जी, जब आप इन तीनों का पूजन करते हैं तो उससे आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है, क्योंकि विष्णु जी प्रसन्न रहेंगे, लक्ष्मी माँ प्रसन्न रहेंगी, गणेश जी प्रसन्न रहेंगे, तो आपके घर में भी हमेशा प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। तो इस साल आप विष्णु भगवान की भी पूजा कीजिए, लक्ष्मी माँ की भी आराधना कीजिए। वैसे भी आपने मंत्र सुना ही है, विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम जगद्विते अर्तिहंत्री नमस्तुभ्यम समृद्धि गुरु में सदा, कि विष्णु माँ के, विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माँ की आराधना करने पर, उनको नमस्कार करने पर हमारे जीवन में हर तरह की सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो माँ हमारे सर पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखती है। इस दिवाली 4 नवंबर 2021 वीरवार को पूजन का समय क्या है? रात में, शाम में 5:30 बजे से लेकर 8:10 बजे तक, लगभग ये टाइम रहेगा, 5:30 से लेकर 8:10 बजे तक आप कभी भी लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अब मैं आपको याद दिला दूं, सिर्फ लक्ष्मी पूजन नहीं करना है, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ और गणेश जी का पूजन करना है। फिर आप देखिए कैसे उनकी अपार कृपा से आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी का वास भी रहेगा और आपके जीवन में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी, प्रसन्नता रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। सो हैप्पी दिवाली। आप इस दिवाली पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स के लिए बस रेडी हो जाइए, जिससे कि वो फटाफट से आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें और आपका जीवन बहुत ही सुखमय बना रहे।